हेलो जी, गुड मॉर्निंग यही सबको, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो सबके साथ छत पे जस्ट टाइम में सोकर उठा हूँ, एक बज रहा है। ना मैक्स ना आया, नहीं 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 क्या चमक रहा। सब के सब धूप सेक रहे ऊपर, मेरे पापा मम्मी भाई सब बहुत तगड़ी धूप आ रही है मस्त, तो मैं भी धूप सेक हुआ। फटाफट जाके नहा लेता हूँ, कुछ खा को पी के फिर धूप सेक हुआ। तो गाइस, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी थी लेकिन पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात जग रहा मैं बेड पे, लेट आ रहा अंधेरा करके, लेट आ रहा पर सोया ही नहीं, लेट सोने की खूब कोशिश करी लेकिन नींद ही नहीं आई। तो एनीवेज मेरा पानी भर रहा है, तो फटाफट से नहा लूँगा और एक दोस्त भी आएगा थोड़ी बहुत देर बाद। ये मान लो कि स्कूल टाइम में वो दोस्त था, 10 साल हो गए मिले उससे, वो उसका फ़ोन आया कहता कि चल भाई मिलते हैं, मेरे को थोड़ा एडिटिंग का कुछ बता दे। मैंने कहा ठीक है, लेट्स मीट। जस्ट अभी ना के आ चुका हूँ और बाल का पेशान के पास जाता हूँ और कह रहा आ जाओ बाहर को आ जाओ। तो योर हरकत इज मैचिंग योर फेस। क्या है? हैव अ किट कैट। ओ बेटे की जान, चलो यार मैं तो बाहर आने में फायदा हो गया। एक और खा तो अपनी क्रिस्क दे दे। तो गाइस जस्ट ऐसे बुला रहा था, वो जो कुछ काम नहीं था स्पेशल, तो अब खाना खा लेता हूँ। मम्मी ने खाना मेरा रेडी कर दिया और तो चलो फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद देखते क्या करना क्या नहीं। तो गाइस चलो अब चलते हैं मम्मी के साथ बाजार तक, जस्ट अभी थोड़ा सा ही काम है, पर जो मैक्स है ना सोफा फाड़ गया था कुछ दिन पहले, तो उसके लिए कवर देखने जाना है, तो कवर चढ़वाएंगे, उसको रिपेयर भी करवाएंगे और कवर भी चढ़वाना है। तो चलो अब चलते हैं मम्मी के साथ, फटाफट से बात करके आते हैं, तो सोफे वाले के पास जा रहे हैं। तो गाइस कपड़ा वपड़ा हमने देख लिया, बहुत बढ़िया है कपड़ा, अब शाम को फैला आएगा वो कपड़ा वपड़ा बता देगा कितना लेना है, वो ले लेंगे फिर उसके बाद बनवाएंगे कवर। गाइस हम जा रहे हैं बाजार तक, जा रहे हैं भट्टी सही करवाने के लिए, हमारी चाय बनने की छोटी सी टी पार्टी है आज, कितनी कल कितनी पार्टी है, कितनी पार्टी तुम की पार्टी के लिए चूल्हा ठीक कराने जा रहे हैं, तो पता मत से चूल्हा ठीक कराते खोल खाल गए इसको बिल्कुल चिकना कराते हैं चिकना। प्रशांत बहुत बड़ा स्कैमर है, बहुत बड़ा, अभी मेरे को बता रहा अपनी कहानी, कह रहा कि 500 रुपए का फटाफट नोट लेके गया आज मैं बाहर, डीजल भरवा लिया गाड़ी में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नोट उसको दिया, वो कह रहा भैया नहीं चलेगा, कह रहा यही है मेरे पास, लेना हो तो लो ना तो डीजल काट लो, अपना डीजल काट लो भाई साहब गाड़ी में से, उन्होंने कह लगे भैया तुम दो ना तुम चले जाओ तुम ऐसे ही चले जाओ, मुझे भी सब कुछ रहा यार। तो गाइज मेरा एक फ्रेंड है 10 साल पुराना, तो उसके पास आज मिलने जा रहा हूँ उससे, बहुत टाइम बाद उसका फ़ोन आया, उसका इंस्टाग्राम पे आजकल मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, उसने यूट्यूब से मेरे से दोबारा कनेक्ट किया, तो अब उसके पास जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत यादें शेयर करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे कैसी ना क्या नहीं, तो चलो चलते हैं फटाफट से। हिमालयन ही लेके जा रहा हूँ, दूसरी बाइक ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, हिमालयन ही अपनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो हिमालयन ही लेके जा रहा हूँ। गाइज मैं घर पर आ चुका हूँ और मैक्स मेरे को लेने आ गया था गेट पर, तो मैंने मैक्स को गोद में उठा लिया, आज तो मैक्स नहाया धोया से लग रहा भाई, बिल्कुल स्मूथ बाल हो रहे इसके, है ना मैक्स, है ना, देख फोटो खींचा अपनी, छोटू अब तो टीवी लग गया भाई, यहीं तो पड़ रहे थे सबके सब, यहाँ पे पापा थे भाई था, अब यहाँ भाभी और मम्मी है, और डेजी मैक्स का यहाँ पे लगा हुआ बिस्तर, सर्दियों में पैक रहेगा सब, इस कमरे में ही पैक रहेंगे अब। कपिल शर्मा के पुराने एपिसोड चल रहे हैं। मैंने हिमाचली कैप पहन लिया और खाने का टाइम हो गया, रात के बज रहे 8:30, तो खाना लेके आ गए मम्मी, तो खाना खा लेते, खाने बनाया हल्का खाना बनाया आज, दाल रोटी, कल हमने छोले भटूरे खाए थे ना, तो आज दाल रोटी खा रहे, तो बड़ा हाथ धो लेता हूँ और फिर खाना खाऊंगा। मेरा खाना आज का God!
काट मैक्स काट। मारने का भी कोई वो नहीं है गाइस। देखो ये तीन भाई बहन बैठे हैं, नीचे लड़की लेटी है और मैक्स भी चढ़ रहा काट रहे को और डेजी अलग काट रही है। टीवी भी देख के मैं रूम में आ चुका हूँ अपने, सोने का टाइम हो गया 10:30। आज मेरे को जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह है राइड, कल क्रिसमस है ना, 25th of December है तो कल है क्रिसमस, तो क्रिसमस राइड रखी हुई है ग्रुप ने, तो सब लोग उसमें जा रहे हैं, काफ़ी सारे बाइकर्स आएंगे। मीन्स कल क्रिसमस है तो भास्कर भाई, तो खैर भास्कर भाई ने प्लानिंग कर ली भाई, टोपी लगा दी सर पे क्रिसमस वाली सेंटा क्लॉस वाली, तो भाई और लोग भी आए शायद से हेलमेट के ऊपर ऐसे क्रिसमस वाली सेंटा क्लॉस वाली टोपी लगा के, बट मेरे पास तो है ही नहीं, तो फटाफट से कल की भी तैयारियां करनी है। जैकेट वैकेट अपनी निकाल लेता हूँ और अपना कैमरा चार्ज कर लेता हूँ, गोप्रो, तो गोप्रो चार्ज करूँगा, माइक वाइक फिट करूँगा, अभी थोड़ा सा काम रह रहा है वो कर लेता हूँ फटाफट से, अदरवाइज वही सुबह निकलने में फिर देरी हो जाएगी और सब मेरे को फिर फ़ोन करते रहेंगे। सारा सामान अपना इधर उधर फैला हुआ था, हेलमेट कैमरा अलग फैला हुआ था, माइक अलग रखा हुआ था, इन सबको ढूंढ के निकाला है फटाफट से, इसको लगा दूंगा इसमें, इसमें इसको फिट कर दूंगा हेलमेट में और लगा दूंगा यहाँ पे चार्जिंग पे कैमरा ना, भाई चार्ज भी नहीं है बैटरी और स्टोरेज भी देखनी पड़ेगी, स्टोरेज कभी फुल हो रही हो, कभी मैं कल वीडियो बनाऊँ और इसकी स्टोरेज ही ना बच रही हो। देखो हाँ 22 मिनट्स का टाइम बच रहा है बस, और बैटरी भी आई थिंक इसमें पूरी नहीं है, हाँ 32 मिनट्स का टाइम बच रहा बस, देखो 32 मिनट्स का चार्ज 48% है। गाइस अपना हेलमेट फुल रेडी हो चुका है, माइक वाइक लगा दिया मैंने अंदर इसके और अपना कैमरा भी लगा दिया, और बस इसको थोड़ा सा साफ वाफ करना रह रहा है, वो मैं सुबह को कर लूँगा, तो अब इसको फटाफट से चार्ज पे लगा देते हैं और जो थोड़ा स्टोरेज इसमें भरा हुआ है ना वो डिलीट कर देंगे, तो क्योंकि भाई कल कभी ज़्यादा रिकॉर्ड करना पड़ गया तो पता चल रहा है कॉन्टेंट तो है मेरे पास लेकिन स्टोरेज ही नहीं बची, तो फिर क्या फ़ायदा कॉन्टेंट रिकॉर्ड करने का। 1-1.5 घंटे GoPro की बैटरी चलती है लेकिन पता चला भाई 31 मिनट्स में जो GoPro फुल हो गया और आधा घंटा तो वेस्ट ही हो गया टोटल, तो इसको फटाफट से चार्ज कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है चार्ज करना, सुबह को निकलना बहुत जल्दी, ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है तो सुबह को मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई इतनी जल्दी कैसे निकलूँगा मैं, तो एनीवेज देखते हैं वो सुबह की सुबह, लेकिन राइड के नाम पे तो भाई निकल ही जाते हैं, किसी और चीज़ के नाम पे निकलना हो तो भाई बिल्कुल नहीं उठा जाता, लेकिन जब राइड होती है तो निकल तब तो उठ जाते हैं और निकल भी जाते हैं। आज मेरे को डॉक्टर के जाना था तो भाई मैं 11 बजे भी नहीं उठा, उठा 12:30 बजे, सोचा छोड़ो यार डॉक्टर को अगली बार दिखाएंगे, तो आज भाई हेलमेट वेलमेट रेडी कर लिया पहले ही, सुबह 6:30 बजे उठ के निकल जाएंगे राइड की, तो चुल ऐसी ही है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। तो गाइस कैमरा वगैरह सब चार्ज हो चुका है और तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे को नहीं अपनी वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।